नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन की मूवी सीरीज क्रिश को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इस बात में कोई शक नहीं कि ऋतिक रोशन एज क्रिश इंडिया के फेवरेट सुपर हीरो है। वही दोस्तों, क्रिश 3 के बाद से ही फैंस इस सीरीज के चौथे पार्ट यानी क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्रिश 4 एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड की तमाम फिल्मों का बाप है। और दोस्तों, क्रिश 3 को देखने के बाद अब क्रिश 4 से फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और दोस्तों यही प्रेशर फिल्म के मेकर्स पर भी है और इसी वजह से ऋतिक की इस फिल्म को आने में लंबा वक्त लग रहा है। वही दोस्तों, पिछले काफी टाइम से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि क्रिश 4 के विलन के रूप में आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आ सकते हैं, जो कि इस फिल्म में ऋतिक से भिड़ते दिखेंगे। लेकिन दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान नवाज ने यह साफ कर दिया है कि क्रिश 4 में वो विलन नहीं बनेंगे। और नवाज ने आगे बताया कि ये जो भी खबरें सामने आ रही है वो सरासर फेक है। वही दोस्तों, पिछले समय ऐसी भी खबरें थी कि क्रिश 4 में ऋतिक का डबल रोल होगा जिसमें से एक नेगेटिव किरदार होगा। हालांकि दोस्तों, इस फिल्म में एक बड़े विलन की जरूरत तो होगी ही, क्योंकि दोस्तों यहां क्रिश 4 में जितना दमदार फिल्म का हीरो होगा उतना ही दमदार फिल्म के विलन को भी लेना होगा। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्रिश 4 के साथ ही क्रिश 5 को भी तैयार किया जाएगा, यानी दोस्तों क्रिश 4 और क्रिश 5 हमें बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। वही दोस्तों, ऋतिक की फिल्म क्रिश 4 को क्रिसमस 2020 पर फाइनल किया गया था, लेकिन दोस्तों अब इसी डेट पर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है। तो अब ऐसे में हो सकता है कि क्रिश 4 के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि दोस्तों, अब बहुत जल्द ऋतिक की क्रिश 4 को लेकर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो क्रिश 4 का विलन कौन होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप क्रिश 4 में किस एक्टर को विलन के रूप में देखना पसंद करेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।